आमिर भाई एक बार फिर इस तेल के फायदे बता दें, सर्दियों के लिए स्पेशल है। अदनान भाई, जुकाम नहीं होगा, ठीक है, खांसी नहीं होगी, ठीक है, बुखार नहीं होगा, जानवर हड्डी मोटी करेगा, जानवर कद बढ़ाएगा, ठीक है, ठीक है, जानवर का हाजमा सही रहेगा, ठीक है। जो शौक वाले जानवर रखना चाहते हैं, जो कुर्बानी के लिए अच्छी वेट, हाई हैवी वेट और मजबूत हड्डी के जानवर बनाना चाहते हैं कुर्बानी के लिए, तो उनके लिए तेल है। और जो एज अ ब्रीडर रखना चाहते हैं, एज अ ब्रीडर, उनके लिए भी ये तेल है। ये सारे इस्तेमाल करा सकते हैं। और बकरियों के लिए जो है, आमिर भाई, ये बकरियों को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, जो सूने वाली बकरियां हैं उन सबको दें। ठीक है जी, ये बकरियां सूने वाली हैं या प्रेग्नेंट हैं, नहीं हैं, खाली हैं, उन सबको ये तेल दे सकते हैं, ठीक है। और देना कितना है वो आपको बता दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान खान और आप देख रहे हैं पेट्स लवर्स। और पेट्स लवर्स इस वक्त मौजूद है लाहौर में आमिर डोगर फार्म पे, और आमिर भाई के पास आए हैं। और आज हम आमिर भाई से जो तेल का नुस्खा है जो वो अपने बकरों को इस्तेमाल कराते हैं वो बनाने लगे हैं, वो दिखाते हैं आपको, ठीक है जी। ये देखिए नीचे अभी तेल बनने लगा है और ये सारा कुछ अंदर पड़ा हुआ है। और ये आमिर भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, आमिर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत अच्छा जी, अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्लाह का भैया। अच्छा आमिर भाई, आज क्या बनाने लगे हैं मुझे ये बताएं जरा। अदनान भाई, मैं मिक्स ऑयल बनाने लगा हूं जो मैं अपने जानवरों को देता हूं। ठीक है, इसमें है कि हम सर्दियों में गर्मियों में ये थोड़ी सी इसमें एडिशन होता है लेकिन फार्मूला सेम है। ठीक है, वो बस अभी मिक्स ऑयल बनाने लगे हैं। ठीक है, ये हम रेगुलर अपने जानवरों को देते हैं। इसका जो फायदा है ना, बजन से जानवर गैस करता है, ठीक है, ठीक है, ना जानवर बाधी करता है। अक्सर होता है कि हम जानवर को मतलब थिंदा शिंदा को देते हैं तेल की शक्ल में, तो वो उसमें ये होता है कि जानवर जो है वो खुराक कम कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे जानवर खुराक बढ़ाएगा, अच्छा, हड्डी मोटी करेगा, कद बढ़ाएगा। सही है, तो अभी हम दिखाते हैं जनाब ये कौन कौन सा तेल है। आमिर भाई, इसमें कौन कौन से तेल है? इसमें दरान भी 8 किलो, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है। पहले तो मैं सिर्फ सरसों ऑयल यूज करता था। अच्छा, अब मौसम चेंज हो रहा है, 8 किलो सरसों का ऑयल है, ठीक है, और 2 किलो उसमें तिलों का ऐड करेंगे हम। 8 किलो में 2 किलो तिलों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। ये सरसों का ऑयल है? ये सरसों का। ये जनाब 8 लीटर जो है सरसों का ऑयल है, ठीक है, ये देखेंगे, ठीक है। और ये साथ ये चूल्हा भी रखा है, इसमें पकाएंगे। और इसका सारा जो प्रोसेस है उसको आपको हम प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, ताकि ये कि आपको बनाने में आसानी भी हो और समझ भी आ सके, ठीक है। ये अभी 4 लीटर डाला है आपने? हाँ जी, ये 4 लीटर था, अब 4 लीटर वो रखा हुआ है, ठीक है, वो डालेंगे। ये लें जी, सारा डाल दें जी। टोटल 10 लीटर ये तेल है, जिसमें 8 लीटर जो है सरसों का है और 2 लीटर जो है वो तिलों का तेल है, ठीक है जी। और 200 ग्राम हमने इसमें थोम की तो नहीं डाली है? 200 ग्राम जी, 200 ग्राम इसमें अजवाइन है, 200 ग्राम अजवाइन है, ठीक है, डाल दें। ये अजवाइन आ गए जनाब 200 ग्राम। 250 ग्राम इसमें मेथरे डालने हैं? 250 ग्राम मेथरे। मेथरे भी दिखा दें जरा, मेथरे होते कैसे हैं, क्योंकि बाद में लोग ये सवाल कर रहे होते हैं कि मेथरे क्या होते हैं। ले जी, ये मेथरे होते हैं, ये देख लें, ठीक है जी। अब डाल दें इसको सारे। अच्छा मेथरे, इसको कोई और जबान में क्या कहते हैं? कुछ और भी कहते ये हैं। इंडिया में भी मेथरे ही मतलब कहते हैं, क्योंकि मेरे इंडिया में फॉलोअर्स हैं। हाँ जी, तो वो मतलब तेल ये बनाते हैं। अब इसमें हमने डाली 100 ग्राम कलवंजी। 100 ग्राम कलवंजी, ठीक है, नहीं 100 ग्राम कलवंजी, क्योंकि पहली हमने जो वीडियो बनाई थी ना आमिर भाई, इसी तरह बांग्लादेश, इंडिया से, श्रीलंका से, बल्कि काफी जेनोसाइड एरिया से काफी लोगों के फोन आए थे। और काफी ये जो मेरा ये तेल का ये नुकसान है ना जी जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह आप ये कह रहे कि बहुत सारे ममालकों में ये यूज हो रहा है। हाँ जी, और मुझे बहुत सारे ममालकों से कॉल्स आती हैं कि इसकी फायदे पे भी हम बात करते हैं, जो चीजें हमने डाली है वो उनका फायदा क्या है। जी जी बिल्कुल, और इसी तरह है कि पहले भी हमने जब वीडियो बनाई थी आपकी, ये देखें जी कलौंजी है, ठीक है, और ये कितने ग्राम डाल रहे हैं? ये 100 ग्राम 100 ग्राम, ठीक है जी, 100 ग्राम कलौंजी है, और ये भी इसमें डाल दिए, ठीक है जी। अब अदनान भाई, अगर कोई हाफ क्वांटिटी में बनाना चाहे, मतलब अगर कोई बंदा 5 केजी बनाना चाहे, ठीक है, 4 बटा 1 किलो सरसों का और 1 किलो तिलों का, ठीक तो है, वो उसमें ऐड करेगा 120 ग्राम मेथरे, ठीक है, 100 ग्राम थोम की तुरी, ठीक है, 50 ग्राम कलवंजी, ठीक है, और 100 ग्राम अजवाइन, ओके हो गया। और इससे जितना कम बनाना चाहे, जितना उसी हिसाब से वो मतलब क्वांटिटी जो है वो ऊपर नीचे करता जी। अब इसका जो फायदा है वो मैं आपको बता देता हूँ जी जी। जो थोम है जी जी, वो तेल की जो होती है ना बादी मारने के लिए होता है, सरसों का ऑयल बेसिकली बादी कर जाता है, ठीक है, इससे इसकी बादी खत्म हो जाती है, ओके। ये जब इसमें जब ये बन जाएगा तो जो अक्सर जानवर गोडों में स्वेलिंग होती है अल्हम्दुलिल्लाह वो खत्म करेंगे, ओके, ठीक है। उसके बाद जो मेथरे है
मेथरे जो है जानवर को एक तो हाजमा होते, दूसरे जानवर को अंदर से हीट देते हैं जानवर को। ठीक है, मेथरे जानवर, हाँ जी जानवर उगाली पूरी करता है। ठीक है, और कलबंजी जो है वो आपको पता है कि उसमें हर चीज के लिए शिफा है, मौत के अलावा हर चीज की शिफा है। ठीक है, अजवाइन जो है वो हाजमा करवाती है। ठीक है, ठीक है। अभी रखो बाबा जी, पर नहीं जी अभी चूल्हा जलाने लगे हैं। और ये इसको आमिर भाई, इसको हम कितनी देर पकाएंगे? जब तक थोम रेड होके ऊपर तैर लेना शुरू कर दो। अच्छा, सही है, यानी कि जब तक वो, जिसको आसान लफ्जों में कहें, थोम जब तक जल नहीं जाता। नहीं वो नहीं जलना और होता है, सुरख हो जाएगा। ठीक है, ले जी तेल चढ़ा दिया है। ठीक है, और इसमें जो जो चीज़ें डाली हैं, आमिर भाई एक बार नए व्यूअर्स के लिए दोबारा बता दें, क्योंकि कुछ लोग हैं हमारे स्किप करके देखते हैं, इसमें क्या क्या डाला है हमने? भी स्किप करके देखते हैं, रहने दें एटलीस्ट बंदा पूरी वीडियो देखेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे ये बड़ा मसला है, लोग वीडियो पूरी नहीं देखते और सवाल करते हैं इसमें क्या क्या डाला था, कितना कितना डाला था। वो हम दोबारा बता देते हैं, वो मुझे ही कॉल करे, मतलब मेरे नंबर उसमें होगा ना। हाँ हाँ, तो वो मुझे कॉल करेंगे तो फिर सीधा कहेंगे भजन वीडियो पूरी देखे। नहीं, मेरे साथ बड़े सीन होते हैं कि मैंने कई वीडियो बनाई हैं कारी रियाज साहब की, साड़ू के ऊपर मैं खासा 15 वीडियो डाल चुका हूँ मैं, फिर भी मुझे फ़ोन करके पूछते होते हैं कि साड़ू का इलाज बता दें। और मैं कहता हूँ यार वीडियो क्यों नहीं पूरी देख लेते आप लोग। अच्छा बहरहाल जी, ये तेल जो है पक रहा है, इसमें जो है मेथरे हैं, थोम है, लहसुन यानी कि लहसुन है, और अजवाइन है, कलवंजी है और इसमें जनाब 8 लीटर जो है सरसों का तेल है, 2 लीटर जो है इसमें तिलों का तेल है, बाकी क्वांटिटी हमने पहले बता दी थी। ठीक है, वीडियो को मुकम्मल देख लिया करें, और जिन्होंने नहीं देखी स्टार्ट में जाके देख लें, क्वांटिटी दोबारा आप नोट कर लें। अब अदरान भी इसको ये आग पे हमने पकने देना है। ठीक है, ठीक है, ये पक के इतना पक जाएगा कि जो थोम है ना, जी जी, ये थोम ऊपर आके तैरना शुरू कर देगा। ठीक है, जब आपका थोम ऊपर आके तैरना शुरू हो गया ना, सही है, तो इट्स मीन ये है कि आपका तेल बन गया। फिर इसको हमने उतारना है, उतार के इसको फिर हमने ढक देना है, इसके ऊपर हमने ढकना रख देना है। ठीक है, इसको ठंडा नहीं करना। अच्छा, ये खुद ब खुद ठंडा होगा। अच्छा, जब ये खुद ब खुद ठंडा होगा, अगर इसको जो इसमें जो चीजें डाली हैं, अगर उनको कोई बंदा पुनना चाहे तो वो पुन के वो अपने जानवरों को वनडे में मिक्स करके लग से भी खिला सकता है। ठीक है, वो बेशक इसके अंदर ही रहने दे। ठीक है, तो ऊपर से वो तेल जो है वो जितना चाहिए उतना निकाले, उसको पुने और वो पिला दे, सामान जितना वो सारा नीचे पड़ा रहे उतना पड़ा रहे। उतना वो ज्यादा इफेक्टिव होता रहेगा। ठीक है, यानी कि ये तेल में ही रहे सामान को, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ले जी अभी तेल पक रहा है, इसको कम अज कम 20 मिनट लगने। ठीक है, और 20 मिनट बाद हम दोबारा वीडियो में आते हैं, तब तक के लिए आप जो है ब्रेक लगेंगे। लें जी तेल मुकम्मल हो चुका है, हमने 20 मिनट तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको पकाया है, और इसके ये देखे सारे जो थोम थे, लहसुन था, वो सारा उबल के सारा अपना जो है ऊपर आ चुका है माल। ठीक है, और आमिर भाई अब मुझे ये बताएं कि इसको किस तरीके से आपने देना है। अदरान भाई, ये आप वनडे में मिक्स करके दे सकते हैं। ठीक है, पानी में मिक्स करके दे सकते हैं। कि पानी में किस तरह, मतलब पानी कितना? आधी सीज में ये डाल ले, आधा पानी डाल ले। अच्छा, हाँ जी, चाय में मिक्स करके दे सकते हैं, दूध में मिक्स करके दे सकते हैं। अब दोस्त पूछेंगे किस टाइम देना है। ठीक है, 24 घंटों में जब उनको टाइम मिले पिला दे। अच्छा, कोई टाइम नहीं है? कोई नहीं, इसका कोई टाइम नहीं। और खाने के बाद, खाने से पहले ये तो दिल करेगा दे दे। लो जी आपको खुली छूट है। ठीक है, जहाँ जब दिल करे, आमिर भाई ने बता दिया कि आपका जब दिल करे, जब आपके पास टाइम हो, अगर आप दुकानदार हैं, सुबह काम पे जाना है, भूल गए हैं तो शाम को आके डाल दें, दोपहर में खाने के लिए आए हैं तो दोपहर को डाल दें, रात को डालना है तो रात को डाल दें, कोई टाइम नहीं है। और आप इस तेल का जो है फायदे वो बता चुके हैं। आमिर भाई एक बार फिर इस तेल के फायदे बता दें, सर्दियों के लिए स्पेशल है। अदनान भाई, जुकाम नहीं होगा। ठीक है, खांसी नहीं होगी। ठीक है, बुखार नहीं होगा, जानवर हड्डी मोटी करेगा, जानवर कद बढ़ाएगा। ठीक है, ठीक है, जानवर का हाजमा सही रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या फायदा इसका? ठीक है, यानी कि ये सारे जो है इस तेल के फायदे हैं, सारे, और ये पूरा शौक इसमें शामिल है जी। बिल्कुल जी, जो शौक वाले जानवर रखना चाहते हैं, जो कुर्बानी के लिए अच्छी वेट, हाई हैवी वेट और मजबूत हड्डी के जानवर बनाना चाहते हैं कुर्बानी के लिए, तो उनके लिए तेल है। और जो एज अ ब्रीडर रखना चाहते हैं, एज अ ब्रीडर, उनके लिए भी ये तेल है, ये सारे इस्तेमाल करा सकते हैं। और बकरियों के लिए जो है, आमिर भाई ये बकरियों को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, जो सूने वाली बकरियां हैं उन सबको दें। ठीक है जी, ये बकरियां सूने वाली हैं या प्रेग्नेंट हैं, नहीं हैं, खाली हैं, उन सबको ये तेल दे सकते हैं। ठीक है, और देना कितना है वो आपको बता दिया है, 5 cc 10 cc। और जो खीरा जानवर है, हाँ, उसको 10 cc दे। ठीक है, बंदे को 20 cc, चौके को 30 cc। ठीक है, और 50 cc तक आप अपने जानवर को दे सकते हैं, बड़े जानवर को 50 cc दे। ठीक है, ले जी ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ भी आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।